हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग, यानी कि टैग ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मेरा जो लास्ट वीडियो था, जो प्रीवियस, जो कि एक पेंडिंग वीडियो था, तो उसकी ही कंटिन्यूएशन में मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो, जिन सब्सक्राइबर्स ने या मेरे फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे जाके मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि उनको ये वीडियो पूरा का पूरा समझ आए। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर प्रीवियस वीडियो देखते हो, तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो क्लियरली। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि आपका टायर 1,00,000 किलोमीटर चलेगा या नहीं चलेगा, तो लास्ट पे मैंने दो कंडीशंस आपको ये बताई थी। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने अपने टायर्स की अलाइनमेंट को पूरा रेगुलरली चेक करवाते रहना है। यूजुअली यही रिकमेंडेशन है कि आपने अगर अपने टायर्स की अलाइनमेंट को चेक करना है, तो उसकी लिमिट है 5,000 किलोमीटर्स। ये एक नॉर्मल लिमिट है, या आप रूटीन वाइज सर्विस टू सर्विस भी अलाइनमेंट चेक करवा सकते हैं और उसको ठीक करवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, इसकी कॉस्ट मैक्सिमम 200 to 250 रुपीज़ होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आपको मार्केट में इसमें इससे भी कम के प्राइस में, बजट में आपको लोग मिल जाएंगे जो कि आपके टायर्स की अलाइनमेंट करेंगे। मैं आपको इस पिक्चर की हेल्प से थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर आपके टायर्स की अलाइनमेंट बिगड़ती है, तो एक्चुअली होता क्या है। जो फ्रंट के टायर्स होते हैं, वो एक्चुअली जुड़े रहते हैं शॉकर्स के साथ, सस्पेंशन के साथ और ड्राइव शाफ्ट के साथ। तो इन तीन चीज़ों के साथ जुड़े रहने की वजह से होता क्या है कि जब आपकी गाड़ी खड्डों में बचती है, अगर आपकी गाड़ी अनइवन जगह पे चलती है, तो यूजली होता क्या है कि आपके जो दोनों फ्रंट टायर्स हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक टायर लेफ्ट को चला जाए और एक टायर राइट को चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा, वो यही होगा कि अनइवन रोड्स पे या टूटी फूटी सड़क पे चलने की वजह से आपकी गाड़ी के जो टायर्स होंगे, वो टेढ़े चलने शुरू हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो जाना। तो उसी अलाइनमेंट को हमने फिर से एकदम करेक्ट करना पड़ता है, हमें सीधा करके रखना पड़ता है, ताकि आपकी गाड़ी के टायर्स दोनों सीधे चलें और उन दोनों की जो वियर एंड टियर है, वो एकदम से इवनली होती रहे। अगर वो आउट चलेंगे, तो आप सोचते रह जाओगे, यार कंपनी की गारंटी थी कि 1,00,000 किलोमीटर चलेंगे, 80,000 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन ये तो चले भी तो 30,000, 40,000 या इससे भी कम, ऐसा क्यों? ये पहला कारण है अलाइनमेंट आउट होना। तो आपने किसी भी हालात में अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट नहीं उड़ने देनी। तो अलाइनमेंट उड़ने के कारण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कारण कि आप टूटी फूटी सड़कों पे ज़्यादा गाड़ी चलाते हो, आप खड्डों में भी ध्यान नहीं रखते कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से गुजर रही है। अगर ज़्यादा स्पीड में गुजर रही है खड्डों में, तो आपकी अलाइनमेंट उड़ने के 100% चांसेस हैं कि आपकी अलाइनमेंट उड़ेगी ही उड़ेगी। दूसरा कारण है, अगर आप हिली एरियाज में ज़्यादा गाड़ी चलाते हो, तो वहाँ पे भी आपकी अलाइनमेंट उड़ेगी ही उड़ेगी, जल्दी उड़ेगी बाकी कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के, अगर हम कंपेयर करें तो। तो एक ऐसी वजह जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो है आपके पुराने टायर्स। जी हाँ, अगर आपने गाड़ी ली है, मान लीजिए आपको गाड़ी ली है, 5 साल हो गए या 6 साल हो गए या 7 साल हो गए, आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है, इन 7 सालों में अगर आप, मान लीजिए आपकी गाड़ी 20,000, 30,000, 35,000 चली है, मान लीजिए कि बहुत कम चली है, तो इन कंडीशंस में क्या होगा कि आपके टायर घिसे नहीं होंगे। आप सोचोगे कि मेरे टायर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन टायर्स को चेंज कराने की। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर टायर की एक लाइफ होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। उस टाइम पीरियड के बाद आपका टायर हार्ड होना शुरू हो जाता है। उस हार्ड टायर की वजह से क्या होगा, जब आप गाड़ी में ट्रैवल करते हो, तो हमेशा हमें जो शॉक एब्जॉर्बेंस की प्रॉपर्टी होती है, वो देते हैं, मतलब शॉकर्स, जो हमारे शॉकर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे टायर्स भी कुछ
अपना रोल प्ले करते हैं कि वो भी आपको शॉक एब्जॉर्बेंस की एक क्वालिटी, एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करें। लेकिन जैसे आपके टायर बहुत पुराने हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में क्या होता है कि आपके टायर्स हार्ड होने की वजह से एक शॉक एब्जॉर्बेंस की प्रॉपर्टी खो देते हैं। तो वो जो इम्पैक्ट है जब आपकी गाड़ी एक खड्डे में लगेगी, क्योंकि टायर्स की वो सॉफ्टनेस की प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है, अब जब टायर खड्डे में बजेगा तो होगा क्या कि आपका वो जो इम्पैक्ट है वो शॉकर्स पे जाएगा, आपकी सस्पेंशन पे जाएगा, अल्टीमेटली आपकी जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। अगर आपके ऐसे टायर्स हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि आपको 2000-3000 किलोमीटर के आसपास अलाइनमेंट अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट करवानी पड़ेगी। तो ये थे वो कारण जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट बिगड़ सकती है। और आप जो सोच रहे हैं कि अपने टायर्स आपके बहुत लंबे चलेंगे, ये बात गलत हो जाएगी। आपके टायर्स बिल्कुल भी लंबे टाइम के लिए और ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए नहीं चलेंगे। दूसरा कारण है व्हील बैलेंसिंग। व्हील बैलेंसिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है यहाँ पे, लेकिन व्हील बैलेंसिंग की वजह से टायर्स बहुत ज़्यादा नहीं उड़ते। ये एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन व्हील बैलेंसिंग के बारे में भी मैं आपको बता दूं, जब कभी हम अपने जो अलॉय व्हील्स हैं या स्टील रिम्स की बात करें, तो जब भी नया टायर डलवाते हैं तो दोनों साइड बैलेंस करके डालते हैं। आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी वाइज हमें ईजिली पता चल जाता है कि दोनों साइड पर इक्वल बैलेंस हुआ है रिम्स का या नहीं हुआ। वो चीज़ अगर बैलेंस प्रॉपरली रहेगी तो आपके टायर्स की वियर एंड टीयर भी प्रॉपरली होती रहेगी, इवन होती रहेगी। ये बैलेंसिंग आपने देखा होगा, अगर अलॉय व्हील्स आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपकी गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगे हैं कि तो उसके अंदर वाली साइड पे कुछ वेट लगा दिए जाते हैं, स्टिकर टाइप वो होते हैं, वो चिपका दिए जाते हैं। अगर आपके स्टील रिम्स हैं तो बाहर वाली साइड पे ऐसे कुछ लोहे के, स्टील के, आयरन के नॉब्स टाइप लगे रहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके रिम को, आपके अलॉय को बैलेंस करने के लिए डाली होती हैं, जिसकी वजह से आपके व्हील्स प्रॉपरली बैलेंस्ड रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये शॉर्ट सा प्रिसाइज वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सीधे कर दीजिए सब्सक्राइब। मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, कोई शेयर नहीं चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।